हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैच हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका का, और क्या ही कमाल चेज किया है पाकिस्तान ने। बिल्कुल एक कंफर्टेबल चेज किया पाकिस्तान ने, कंफर्टेबली चेज किया आज का स्कोर, आज का टारगेट पाकिस्तान ने। और कंफर्टेबली मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन जिस तरह शुरू में विकेट्स गिर गई थी पाकिस्तान की, लेकिन उसके बाद जिस तरह आगे कमबैक किया है रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है दोनों ने, और जितने देर तारीफ की जाए कम है। और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है दोनों ने, मतलब इतने कंफर्टेबल, इतनी ब्यूटीफुल बैटिंग। खास तौर पे अब्दुल्ला शफीक, वो अपना पहला मैच खेल रहा है अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, वर्ल्ड कप ही की उसका डेब्यू है, उसका पहला मैच है। फ़खर जमान, जिस तरह आपको पता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म था फ़खर जमान, तो उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, और लोग यही बातें कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक नहीं कर पाएगा, अब्दुल्ला शफीक जो है वो टेस्ट का प्लेयर है, ये है वो है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को चांस मिला और उसने दोनों हाथों से चांस को पकड़ा, और उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए एक एक शानदार सेंचुरी स्कोर की। और उसके बाद उसकी आइस कोल्ड सेलिब्रेशन भी थी, मुझे पता है इसे एक मखसूस फैन बेस को काफ़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब्दुल्ला इज द रियल किंग। उससे पहले बात कर लेते हैं कि अपनी थोड़ी बहुत बॉलिंग पे, और उसके बाद फिर मैं रिजवान पे आता हूँ कि जिस तरह रिजवान ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। श्रीलंका ने भी काफ़ी हमें बहुत मारा, मतलब उन्होंने भी हमारी अच्छी खासी पिटाई की, क्योंकि पिच भी काफ़ी फ्लैट था। और ख़ास तौर पर कौशल मेंडिस, मैं तो मुझे तो ये समझ नहीं आती है बंदा क्या चीज़ करता है, मतलब नंबर थ्री पे मैंने आज तक ऐसा बैट्समैन नहीं देखा जो नंबर थ्री का, अक्सर आप देखें तो नंबर थ्री पे जो बैटिंग करते हैं उनका यही काम होता है कि इनिंग्स को साथ लेके चलना है, पूरे ओवर खेलना। आप जो रूट को ले लें, केन विलियमसन ले लें, स्टीव स्मिथ को ले लें, विराट कोहली को ले लें, बाबर आजम को ले लें, इन पांचों को देखें तो यही होता है कि इनको, इन्होंने एंकर करना होता है इनिंग्स को, और कोई भी इतना आउटरेजियस हिटिंग के लिए नहीं जाता। लेकिन कौशल मेंडिस को मैंने पहला देखा है जिसको नंबर थ्री पर बैटिंग करने वाले को, जो हिटिंग पे ज़्यादा बिलीव रखता है, और मतलब इतनी आउटस्टैंडिंग हिटिंग करता है, क्लीन हिटिंग करता है, और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उसने एक दफ़ा फिर से, और हमारे खिलाफ उसने सेंचुरी स्कोर कर ली। लेकिन उसके कैच भी छोड़ा हमने, दो कैच छोड़े, तो खैर एक तो इमामुल हक ने कैच छोड़ा, वो तो सिंपल चांस था बैकवर्ड पॉइंट पे शाहीन की बॉलिंग पर, दूसरा शाहीन ने खुद अपनी बॉलिंग पे छोड़ा था, वो टफ था थोड़ा। और शाहीन भी काफ़ी इंजर्ड लग रहे थे, मतलब ही वाज नॉट लुकिंग इन रिदम, और स्पीड भी लो थी, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यही बात चल रही है कि शाहीन फिंगर इंजरी के साथ ये मैच खेला है, और उसको ये मैच फिंगर इंजरी के साथ खिलाया है। तो मुझे तो अपनी मैनेजमेंट की समझ नहीं आती कि ये भी नसीम शाह पार्ट टू बनाना चाहते हैं शाहीन को, क्या करना चाहते हैं भाई। अगर एक इंजर्ड है तो आप उसको रेस्ट दे दें, उसकी ट्रीटमेंट करें, आगे आपका इंडिया के साथ मैच है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, क्रूशल मैचेस आ रहे हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आती इसकी। और मेंडिस ने 100 की, और उसके बाद फिर सदीरा समरा विक्रमा, सदीरा ने भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, और उसने भी एंकर रोल खेला, लेकिन मेंडिस जैसी आउट हुआ तो उसने चार्ज टेक ओवर किया, और उसने भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का कमबैक किया बॉलिंग में अपना, वो भी बहुत ही मैग्निफिसेंट था। 290 पे तीन थे श्रीलंका के, बल्कि चार थे 290 पे 40 ओवर में, और 280 पे सॉरी, और ऐसे ही लग रहा था कि ये 380-370 ऐसे जाएंगे, लेकिन आउट आखिरी 10 ओवर में बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग की है पाकिस्तान ने। हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ने, नवाज ने, सब ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और पाकिस्तान ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया 344 पे 49 पे। और हसन अली जिस तरह इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जितनी तारीफ की जगह में, क्योंकि जब उसका स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो हर जगह तूफान बदतमीजी मचा हुआ था उसके नाम पे,
और मीम्स बन रही थी, यारी दोस्ती यारी दोस्ती यारी दोस्ती लगे हुए थे लोग, लेकिन हसन अली ने अपने आप को प्रूव किया कि वो डिजर्व करता था, और अभी तक इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से वो लीडिंग विकेट टेकर है। तो खैर 345 का टारगेट मिला था पाकिस्तान को, बाबर आजम जल्दी आउट हो गए थे, मतलब तो बाबर आजम ने अच्छे शॉट्स खेले लेकिन आउट हो गए जल्दी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अगले मैच में इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। और इमामुल हक भी, उसकी फॉर्म को भी अचानक से कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया उसकी फॉर्म को, शॉर्ट बॉल पे उसके हर टीम को मुझे लगता है समझ आ गई कि उसको शॉर्ट बॉल करानी है और वो कैच दे देगा आपको फाइनल लेग पे। नेदरलैंड के खिलाफ भी इसी तरह आउट हुआ था और आज भी इसी तरह आउट हुआ है, 13वीं दफ़ा शायद वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ। उस दफ़ा उस दिन इमाद वसीम जो थे वो स्टैट्स बता रहे थे कि 13 दफ़ा आउट हुआ है उस दफ़ा। और फिर लेकिन जिस तरह तो पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला और रिजवान की, अब्दुल्ला की बैटिंग में तो बात हो गई है कि जिस तरह फ्लुएंट नॉक खेला उन्होंने, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उसी तरह रिजवान ने, जब रिजवान ने, आपको याद होगा रिजवान ने नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैं नंबर 4 पे बैटिंग करना चाहूंगा चाहता हूँ और मैं नंबर 5 पे बैटिंग नहीं करना चाहता, तब लोगों ने इतनी बदतमीजी की, इतना मजाक उड़ाया उसका। और उसके बाद कुछ मैचेस में रिजवान स्कोर नहीं कर पाते तो उस पर उसको तंग करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे कि जी साहब ने नंबर 4 पे बैटिंग करनी है, नंबर 4 पे बैटिंग करनी है, बैटिंग होती नहीं है, आप बताओ बैटिंग होती है या नहीं। क्या कमाल की बैटिंग की है रिजवान ने, बैटिंग मक्खन मलाई बैटिंग की है रिजवान ने, और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है रिजवान ने, और ऊपर से इंजरी के साथ खेला, पहले उसकी कमर पे लगी, फिर उसको क्रैम्प्स पड़े, फिर उसके सर पे लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, घिरते लड़ते मरते झगड़ते वो पहुंच गया एंड तक और उसने अपनी सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान को उसने फिर मैच भी जिताया, फिनिश किया मैच पाकिस्तान के लिए, और आउटस्टैंडिंग नॉक किया रिजवान ने। कमेंटेटर्स को हंसी आ रही थी कि रिजवान जब स्ट्रगल कर रहे थे इंजरी के साथ, पेन में वो तड़प रहा था, तो कमेंटेटर्स बड़े हंस रहे थे कि जी हाँ, एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग हो रही है। तो भाई कुछ शर्म करो, अपनी उम्रों का ही लिहाज कर लो, मतलब क्या मतलब, एक प्लेयर आपका सामने आपके वो इंजरी से वो दर्द में हुआ है, आपसे बेहतर तो वो सदीरा है, उसको पता चल गया था कि उसको इंजरी हुई है, वो फौरन आके उसने रिजवान को चेक किया। लेकिन खैर कमेंटेटर्स पे भी मैं तो छोड़ो, मेरे बस में हो तो कमेंट्री बंद करा दूं, मैं तो उसके बेहतर गाने वगैरह चला दूं कोई, तो छोड़ो। लेकिन फिर इफ्तिखार साउथ ने भी, हाँ सॉरी साउथ की बैटिंग को मैं भूल गई, साउथ ने भी और इफ्तिखार ने भी क्रूशल इनिंग्स खेली इस चेज में, और दोनों ने अच्छी बैटिंग की और कमाल की बैटिंग की दोनों ने, और पाकिस्तान ने 6 विकेटों से मैच जीत लिया 10 बॉल में पहले, और पाकिस्तान अब पॉइंट्स टेबल पे सेकंड नंबर पे आया 2/2 विंस के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 1/6 विकेट्स, रिजवान वाज नेम्ड एज अ मैन ऑफ द मैच, और अब जो है क्या कहते हैं उसे, रिजवान ने 131 नॉट आउट किया, इफ्तिखार ने भी 25 रनों को बहुत मारा और 3-4 चौके लगाए थे इफ्तिखार ने भी, साउथ ने 30 किए। तो खैर एनीवेज पाकिस्तान 1/6 विकेट्स पर 10 बॉल्स टू गो, और पाकिस्तान जो है वो अब बैक टू बैक विक्ट्रीज के साथ अब पॉइंट टेबल पे सेकंड पे है, और अच्छा स्टार्ट हो गया पाकिस्तान का टूर्नामेंट गेम में, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है। अब अगला मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ है 14 तारीख को, तो इंशाल्लाह होपफुली वो भी जीतेंगे हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करके 19 तक ये मोमेंटम कंटिन्यू करना है, और इंशाल्लाह 19 को जब ट्रॉफी हमारे पास आएगी तभी इसको रोकना इस सिलसिले को। तो खैर वेल प्लेड टीम पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर नेशन, और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया पाकिस्तान ने, हाईएस्ट एवर सक्सेसफुल रन चेज इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, तो 48 साल का रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान ने तोड़ा है, तो एक और रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए। तो खैर एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन।
पाकिस्तान जिंदाबाद, टीम पाकिस्तान जिंदाबाद।